कहानी की शुरुआत सन 1980 से होती है। यूसी जिंदगी को एडवेंचरस तरीके से जीना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अमेज़न के जंगल जाएगा। सबसे पहले वो पहुंचता है बेलीविया, जहां उसकी मुलाकात होती है मार्कस से, जो कि एक स्कूल टीचर होता है। जल्दी यूसी और मार्कस अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बेलविन में घूमते हुए मार्कस यूसी को अपने पुराने दोस्त केविन से मिलाता है, जो एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर और एक फेमस एडवेंचरर होता है। तीनों वहीं के एक हॉस्टल में रहने लगते हैं और सिटी एक्सप्लोर करते हैं। एक दिन जब योशी घर से घूमने के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे कार मिलता है, जो कि एक गाइड होता है। वो योशी को बताता है कि यहाँ एक बहुत पुराना आदिवासी कबीला है और उसे अगर असली अमेज़न देखना है तो वो उसके साथ उस आदिवासी कबीले को ढूंढने चले। योशी काल के आइडिया से इम्प्रेस होकर घर जाता है। वो मार्कस और केविन को भी साथ चलने को बोलता है, मगर वो दोनों किसी अनजान आदमी के साथ जाने से मना कर देते हैं। अगले दिन काल से मिलने योशी मार्कस और केविन को भी लेके जाता है, जहां काल सबको ट्रिप पे चलने के लिए मना लेता है। वो केविन को कहता है कि इस ट्रिप पर तुम्हें इतनी अच्छी फोटो मिलेगी, हो सकता है तुम्हारा नाम नेशनल ज्योग्राफिक की मैगजीन में आ जाए। काल के जाने के बाद केविन ट्रिप के लिए हाँ कह देता है और मार्कस भी थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है। अब चारों ट्रिप के लिए जरूरी सामान खरीद रहे होते हैं, तभी काल उनसे अपने सामान का भी बिल भरवाता है, जो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बैकपैकिंग करते हुए योशी एक डायरी दिखाता है, जो उसके अंकल ने उसे दी थी और कहा था जब तक ये डायरी तुम्हारे साथ होगी तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। हालांकि योशी को इस बात पर यकीन नहीं होता, फिर भी वो उस डायरी को अपने पास रख लेता है। वो चारों फिर नवंबर में सफर की शुरुआत करते हैं और पहुंच जाते हैं अमेज़न के घने जंगलों में। जंगल में काल सबको बताता है कि हो सकता है आदिवासी लोग उन्हें पुराने जमाने के लगे, मगर असलियत में वो काफी मॉडर्न है। बारिश होने से पहले ही काल सबको बारिश होने वाली है ये बताकर हैरान कर देता है। वो कहता है कि वो इस जंगल को बहुत करीब से जानता है। अब तीनों पीछे रह जाते हैं और काल आगे अकेले चले जाता है। इससे मार्कस को गुस्सा आता है, मगर फिर काल थोड़ी दूर उन्हें नदी किनारे मिल जाता है। नदी किनारे पहुंचने पर उन्हें एक कबीला दिखाई देता है। वहां पहुंचने पर गांव वाले काल का स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं। चारों कुछ दिन वहां रुकते हैं और आदिवासियों से बात करते हैं। उन्हें बहुत मजा आ रहा होता है। कुछ दिन बाद वो फिर ट्रिप शुरू करते हैं। वो खूबसूरत अमेज़न के नज़ारे देखते हैं। नदी में उन्हें सोने का एक टुकड़ा भी मिलता है। उन्हें तितलियों का झुंड दिखता है, जो उन्हें घेर लेता है। अब तक उन्हें बहुत मजा आ रहा होता है। अब जंगल के और अंदर जाने पर काल एक बंदर को मार देता है और उसे वहीं पड़ी लकड़ियों में आग लगाकर पकाता है और तीनों को खाने के लिए देता है। केविन और योशी हिचकिचाते हुए खा जाते हैं, लेकिन मार्कस खाने से मना कर देता है। ट्रिप अब मार्कस के लिए और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसके पाँव में चोट लग चुकी है और वो अब सबके साथ ठीक से चल भी नहीं पा रहा। काल मार्कस का पाँव देखता है, उसमें दवाई लगाता है, मगर मार्कस की हालत फिर भी ठीक नहीं हो रही। केविन को अब गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मार्कस की वजह से पूरी ट्रिप स्लो हो गई है। उसे नहीं लगता कि वो सब बारिश होने से पहले जंगल से निकल पाएंगे। अब मार्कस को लगने लगता है उसकी वजह से सबको आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है और वो उनसे माफी मांगता है। योशी उसे समझाता है कि सब उसकी पूरी देखभाल करेंगे और वो परेशान ना हो, मगर मार्कस पूरी रात रोता रहता है, क्योंकि अब उसका डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। केविन और योशी को अब लगने लगता है कि वो चार दिन में आदिवासियों तक कैसे पहुंच पाएंगे, इसलिए वो काल से बात करते हैं। योशी कहता है उन्हें वापस आदिवासी कबीले जाना चाहिए, जहां वो नाव बना सकते हैं, मगर काल उसको मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें आगे अकेले जाना चाहिए और मदद लेके आनी चाहिए। केविन काल की बात नहीं मानता, क्योंकि उसे शक है कि काल उन्हें जंगल में अकेला छोड़ देगा। अब मार्कस वहां आता है। केविन उसे बताता है वो नाव बनाना चाहते हैं, जिससे वो आसानी से इस नदी को पार कर लेंगे। सब नाव बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ देर में वो नाव बना लेते हैं। काल उन्हें बताता है कि तुम सबको एक साथ रहना होगा और मेरी हर बात माननी होगी। वो चारों अब नदी में आ जाते हैं। नाव भी अच्छे से चल रही होती है, फिर भी काल कुछ परेशान दिखाई देता है। अचानक नदी का बहाव तेज होने लगता है। काल को केविन पे गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहा। दोनों में अब लड़ाई हो जाती है। तेज भाव से बचकर किसी तरह सब किनारे पहुंचते हैं। काल गुस्से में केविन पर चिल्लाता है और खाना लाने चले जाता है। वो सब अब थोड़ा आराम करते हैं। तभी केविन योशी से कहता है कि उसे लगता है कि काल को तैरना नहीं आता। योशी अब काल को ढूंढने जाता है, क्योंकि उसे शक है कहीं काल उन्हें अकेला छोड़कर ना चला जाए।
तभी एक गोली योशी की तरफ आती है जो उसके बहुत पास से निकलती है। गोली काल ने चलाई होती है क्योंकि उसे लगता है योशी के पीछे कोई जानवर खड़ा है। अगले दिन सब सफर की तैयारी शुरू करते हैं मगर काल आगे जाने से मना कर देता है। वो पैदल चलकर जंगल पार करना चाहता है। सब सोच ही रहे होते हैं तभी केविन योशी को बताता है कि वो नाव से जाना चाहते हैं क्योंकि इससे वो वापस जल्दी पहुंचेंगे और ये आसान भी है। योशी उसकी बात मान जाता है मगर वो मार्कस को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा, इससे उनके सफ़र और मुश्किल होगा। अब योशी मार्कस को बताता है कि वो नाव से जाएंगी। मार्कस कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ मगर योशी उसे काल के साथ जाने को कहता है क्योंकि काल के साथ वो जल्दी जंगल से बाहर पहुंच जाएगा। अब सब जाने की तैयारी करते हैं। काल उन्हें बताता है कि तेज लहरों से हमेशा बचना और उन्हें खाने के लिए खाना दे देता है। अब चारों अपना सफर शुरू करते हैं। केविन और योशी अब नदी में उतर जाते हैं। नाव भी अच्छे से चल रही है। केविन योशी को बताता है कि वो इस क्रिसमस अपने घर जाना चाहता है। तभी नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। केविन नाव संभालने की कोशिश करता है मगर तभी वो एक बड़े से पत्थर से टकरा जाते हैं जिससे उनकी नाव उस पत्थर में अटक जाती है। अब दोनों बस एक पत्थर के सहारे नदी के बीच में अटक गए हैं। केविन अब नदी तैरकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है ताकि वो वहां से योशी की मदद कर सके। इससे पहले केविन कुछ कर पाता तेज बहाव आता है और नाव टूट जाती है। अब योशी नदी में गिर जाता है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाता है और नदी के किनारे पहुंचता है। वहां से वो केविन को आवाज देता है मगर थोड़ी ही देर में वो समझ जाता है कि अब वो केविन से बहुत दूर आ गया है और जंगल में बिल्कुल अकेला है। तेज बारिश में पूरी रात वो पेड़ के नीचे गुजारता है। अगले दिन उसे नदी में उसका बैग दिखाई देता है जिसे वो नदी में कूदकर उठा लेता है। अपना बैग लेकर अब वो केविन को ढूंढने लगता है पर कुछ देर बाद वो समझ जाता है कि अब केविन उसे नहीं मिलने वाला। तब वो केविन के लिए एक नोट लिखकर वहीं छोड़ देता है और आगे बढ़ना शुरू करता है। योशी कभी जंगल में नहीं रहा ना ही उसे इसकी ट्रेनिंग है इसलिए वो बहुत परेशान हो जाता है मगर फिर भी मुश्किलों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ता रहता है। पूरे दिन वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है और जब वो रात को सोता है तो उसे सपना आता है। उसे लगता है कि वो अपने घर पहुंच गया है और उसके पास खाने को बहुत सारा खाना है। वो बहुत निराश हो चुका होता है फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता रहता है। उसे उम्मीद होती है कि कोई ना कोई उसे ढूंढने जरूर आएगा। जंगल में अब अकेलापन उसे खाने लगता है। वो अपने दोस्तों को देखता है जो कि असलियत में वहाँ होते ही नहीं। समय के साथ अब उसकी मुश्किल और बढ़ने लगी है। उसके सर में कीड़ा घुस जाता है जिसे वो चाकू से काट कर बाहर निकालता है। भूख मिटाने के लिए उसे जानवरों के कच्चे अंडे भी खाने पड़ जाते हैं। रास्ते में उसे एक बस्ती दिखती है मगर वो सब लोग भी वहां से जा चुके हैं। मैप देखने पर उसे पता लगता है कि वो अब भी शहर से बहुत दूर है। वो आगे बढ़ना चाहता है मगर उसके पैर अब उसका साथ नहीं दे रहे। उसके पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। जब वो अपने पैर देखता है तब उसे समझ आता है कि मार्कस कितने दर्द में था जिसे वो नहीं समझ पाया और इसके लिए वो मार्कस से माफी मांगता है। आगे बढ़ने पर उसे पैर का एक निशान दिखता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है वहां कोई ना कोई इंसान जरूर है मगर जल्दी उसकी खुशी दुख में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि वो निशान उसी के पैर का है और अब वो पूरा चक्कर लगाकर वापिस उसी जगह आ गया है। अब उसका दिमाग बुरी तरह खराब हो जाता है। उसे लगता है कि अब वो इस जंगल से कभी जिंदा नहीं निकल पाएगा। उसे जंगल में 14 दिन हो गए हैं तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है और डायरी अपने हाथ में पकड़ लेता है। उसे लगता है अब ये डायरी ही उसे बचा सकती है। अब कुछ आदिवासी लोग आते हैं जो केविन को नदी किनारे पड़ा हुआ देख लेते हैं। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। वो उसे बचा लेते हैं और इस कबीले से योशी 120 किलोमीटर दूर फंसा हुआ है। ठीक होने के बाद केविन डिसाइड करता है कि वो योशी को बचाएगा। वो पुलिस से मदद मांगता है। वो हेलीकॉप्टर से योशी को ढूंढने निकलता है। योशी उन्हें देख लेता है मगर प्लेन बहुत ऊपर होता है और घने जंगल में वो योशी को नहीं देख पाते। योशी की किस्मत फिर साथ नहीं देती और अब वो जंगल में बुरी तरह फंस जाता है। केविन योशी को नहीं भूलता। वो फिर से पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और वो चाहता है कि पुलिस एक बार और योशी को ढूंढने उसके साथ चले। पुलिस ऑफिसर कहता है तुम्हारे दोस्त को गायब हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। बहुत मुश्किल है कि अब वो जिंदा होगा। केविन कहता है मुझे पूरा भरोसा है योशी अभी भी जिंदा है। हमें उसे बचाने चलना चाहिए। केविन की बात सुनकर वह पुलिस वाला उसकी बात मान जाता है। वो उसे बताता है कि गांव में एक आदमी है जो उसकी मदद कर सकता है।
केविन उस आदमी से मिलता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो आदमी मान जाता है। अब वो दोनों योशी को एक आखिरी बार ढूंढने निकलते हैं। जंगल में योशी एक आदिवासी औरत को देखता है जो योशी को देखकर बहुत डरी हुई है। योशी उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे बचाएगा और डरने की कोई जरूरत नहीं है। योशी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो जंगल में अकेला नहीं है, कोई है जो उसके साथ है। मगर कुछ ही देर में वो औरत भी वहां से गायब हो जाती है। योशी को बहुत बुरा लगता है। अब वो आगे बढ़ने लगता है और आखिरकार काफी दिनों बाद उसे सूरज की रोशनी दिखाई देती है। जल्दी उसकी खुशी दुख में बदल जाती है जब वो दलदल में फंस जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो एक टहनी देखता है जिसे पकड़कर वो बाहर आ जाता है, मगर उसका बैग दलदल में ही छूट जाता है। वो अब आगे बढ़ता है। उसे एक पेड़ दिखता है जिस पर वो चढ़ने की कोशिश करता है, मगर उसे बहुत सारी चींटियां काट लेती है। फिर वो नदी की तरफ चला जाता है। 19वें दिन केविन उस नदी के पास पहुंचता है, मगर उसे योशी नहीं दिखाई देता क्योंकि योशी एक बड़े से पत्थर के पीछे लेटा होता है और वो खड़ा भी नहीं हो पाता। केविन उम्मीद छोड़ देता है और वापस जाने लगता है। तभी योशी को बोट की आवाज आती है। बड़ी मुश्किल से वो आगे बढ़ता है और खड़े होने की कोशिश करता है। किस्मत से केविन योशी को देख लेता है और उसे बचाने भागता है। वो योशी को अपने साथ पास के ही एक गांव में ले आता है। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है केविन ने काल और मार्कस को भी ढूंढने की कोशिश की, मगर वो जंगल में कहीं नहीं मिले। काल को पुलिस पहले से ही ढूंढ रही होती है और काल का ये दावा कि वो अमेजोन की सबसे पुराने आदिवासी लोगों को जानता है वो भी झूठा निकलता है। केविन अपनी एडवेंचर ट्रिप्स जारी रखता है और इजराइल अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाता है। योशी वापस अमेजोन चला जाता है और वहीं रहने लगता है। योशी वहां बहुत मेहनत करता है और एक इको लॉज बनाता है जिससे पूरे जंगल को बहुत फायदा होता है। जंगल में योशी अपनी एडवेंचर ट्रिप जारी रखता है। इस वीडियो में इतना ही। और मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपनी फेवरेट मूवी इस चैनल में देखने के लिए मूवी का नाम कमेंट करें। Take care.